दशकों तक चले विवाद के बाद अयोध्या के राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो चुका है। इस मंदिर के मॉडल को दुनिया का सबसे भव्य मॉडल बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो राम मंदिर का गर्भगृह 216 वर्ग फुट का है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1000 फीट से भी ज्यादा है। जहां एक तरफ राम मंदिर को विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाने की तैयारी की जा रही है, तो इसी बीच दुनिया के सबसे विशाल और भव्य कृष्ण मंदिर का काम भी लगभग पूरा होने वाला है। बता दें कि इस मंदिर को 1,00,000 वर्ग फीट में बनाया गया है। इसका निर्माण पिछले 10 सालों से किया जा रहा है। इसके निर्माण में 2 करोड़ किलो से ज्यादा सीमेंट का इस्तेमाल भी किया जा चुका है। इसमें हर मंजिल को 1,00,000 वर्ग फुट में तैयार किया गया है। इस तरह से इस मंदिर की कई खासियत है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर का पूजा प्रसारण दुनिया भर में लाइव किया जाएगा, जो कि आज तक किसी भी मंदिर ने नहीं किया है। अब सवाल ये उठता है कि ये मंदिर है कहाँ? तो आपको बता दें कि ये मंदिर विदेश में नहीं बल्कि भारत में ही है। इस मंदिर का निर्माण पश्चिम बंगाल में हो रहा है। नदिया जिले में स्थित मायापुर में विश्व के सबसे बड़े मंदिर परिसर का पहला फ्लोर बनकर तैयार हो चुका है। अगले महीने इस मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस मंदिर में हर धर्म के लोगों को जाने की अनुमति होगी। इस मंदिर का नाम द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेटेरियम है, जो कि दुनिया का अपने आप में सबसे अनोखा मंदिर होगा। इसे आप आधुनिक समय का एक विशाल महल भी कह सकते हैं। तकनीक के इस्तेमाल में भी इस मंदिर ने दूसरे मंदिरों को पछाड़ दिया है। बता दें कि इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस्कॉन मंदिरों की खासियत रही है कि यहाँ एक बार में कई सारे श्रद्धालु भजन कीर्तन कर सकते हैं। इस मंदिर की खासियत की बात करें तो यहाँ एक फ्लोर पर एक साथ 10,000 लोग पूजा कर सकते हैं, गा सकते हैं, भक्ति में मग्न रह सकते हैं। बता दें कि इस मंदिर का आकार एक गुंबद की तरह है, जो कि विश्व के किसी भी मंदिर का सबसे बड़ा गुंबद होगा। 380 फीट के इस मंदिर में स्पेशल ब्लू बोलिवियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें वियतनाम के अलावा भारतीय पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। देवी देवताओं की प्रतिमाओं को रखने के लिए विशेष कमरों का निर्माण किया गया है। इस मंदिर का उद्देश्य है कि तकनीक के माध्यम से पूरी दुनिया में वैदिक ज्ञान का प्रसार किया जा सके। दशकों से तैयार किए जा रहे इस मंदिर का काम साल 2022 में पूरा हो जाएगा। नेशन वन से ज्योति पटवाल की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।